हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडी और बीसी के बारे में। हिस्ट्री डील करती है मैनकाइंड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। हिस्टोरियंस के सामने एक प्रॉब्लम थी कि इस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कैसे मेजर करें, मतलब कि जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं उनको क्रोनोलॉजिकली कैसे डिस्क्राइब करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरियंस ने एडी और बीसी इस कॉन्सेप्ट को, ये लेबलिंग की उनकी और इनको इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेंट्रल पॉइंट की तरह लिया। यदि हम कोई भी इवेंट बताना चाहें तो इस किस तरह बताएंगे उसे, कि कोई भी इवेंट या तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ या फिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ। तो बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस। मतलब कि अगर हम किसी भी इवेंट में ये बताना चाहते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ है तो वहाँ हम बीसी यूज़ करेंगे। बीसी को कभी कभी बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा इस तरह भी लिखते हैं। एडी, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड और आफ्टर जीसस वॉज बॉर्न। अगर किसी इवेंट को हमें ये बताना है कि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ था तो हम वहाँ पर एडी यूज करेंगे। एडी को कभी कभी सीई या फिर कॉमन एरा भी लिखते हैं। चलिए एडी और बीसी को टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बर्थ ऑफ क्राइस्ट को सेंटर में लिया गया है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब है एनो डोमिनी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अलेक्जेंडर ने इंडिया को 327 बीसी में इन्वेड किया था। या फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अशोका का राज्य 269 बीसी से 232 बीसी तक चला। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर इंडिया में क्राइस्ट के बर्थ से, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 327 ईयर्स पहले आया और अशोका का राज्य क्राइस्ट के बर्थ से 269 ईयर्स पहले उसने यहाँ पर राज्य किया। इसमें आप ये देखेंगे कि ये उल्टे चल रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि अशोका का राज्य 232 ईयर्स से 269 ईयर्स तक चला, बल्कि इसको हमने उल्टा बोला है कि 269 से 232 बीसी तक उसका राज्य चला, क्योंकि बर्थ ऑफ क्राइस्ट को सेंटर में लिया गया है, जीसस के बर्थ से पहले ये हुआ है। तो इसको हम उल्टा लेंगे और एडी को हम लोग सीधा काउंट करते हैं। एग्जांपल के लिए चंद्रगुप्त वन गुप्ता साम्राज्य की गद्दी पर 320 एडी में बैठा। इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो क्राइस्ट के बर्थ के 320 साल बाद गद्दी पर बैठा था। दूसरा एग्जाम्पल लें तो समुद्रगुप्त ने गुप्ता राज्य को 335 एडी में संभाला और इसका एक्सपेंशन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्राइस्ट के बर्थ के 335 ईयर्स के बाद उसने राज्य संभाला। तो बीसी हम लोग उल्टा काउंट करते हैं और एडी में हम सीधे ईयर्स लेते हैं। तो होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।